आक्रामक होकर शुरू किया गया यह आंदोलन राकेश टिकैत के आंसुओं तक आ गया। 26 जनवरी से पहले जो ट्रैक्टर रोकने पर बकल उतार देने की धमकी दे रहे थे, वो कैसे बॉर्डर पर खड़े खड़े बदलते गए, चार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं गवाही की। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। ट्रैक्टर को रोक क्या किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को, कोई रोका ट्रैक्टर, ट्रैक्टर रोकेगा, कर रहे आप बकवास लग रहे। हमने तो सिसोली वाला मायावती वाला परिसर देखा, जो एक जो जो एक 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 गांव को 23,000 पुलिस ने घेर कर 2,800 आंसू गैस के गोले गांव पर चले हो, तो हमने तो वो देख रखे। तो ये तो ही नहीं कुछ भी, प्रेशर से ना होगा, ये बातचीत से समाधान होगा। हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो जानते नहीं थे कुछ भी, उनको दिल्ली के सड़कों में चक्रों में फंसाया गया। और हमारे वॉलंटियर और हमारे जो पदाधिकारी हमारे थे, उन्हीं की बड़ी जिम्मेदारी से वे लोग 4 और 5 बजे से दिल्ली के चक्र में हुमा से फंस के वे सब लोग अपने गांव की तरफ गए। उनका कोई मकसद नहीं था कि वे हिंसा कर ना, हिंसा का शब्द हमारी में डिक्शनरी में था ना, है और ना रहेगा। इस किसान को बर्बादी होने देगा देश के। आज अचानक क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारे किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। ये बात कहते कहते राकेश टिकैत के आंसू निकल आए, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब वापस वो किसानों के बीच में पहुंचे, तब उन्होंने एक बार फिर वहीं खूंटा गाड़ दिया, ये कहते हुए कि हम यहां से नहीं हटेंगे, सरकार को हटाना हो तो जबरदस्ती हटा ले और हम केवल भारत सरकार से बात करेंगे। सुनवाते हैं मंच से उन्होंने क्या कहा। टिकैत साहब पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? ये बताइए बाकी नेताओं को क्या राय है इसमें? टिकैत साहब बाकी नेताओं क्या राय है ये बताइए आप, जो बाकी आपका जो संयुक्त मोर्चा पूरा, उनके बारे में क्या कहना है? अभी बात नहीं। टिकैत साहब पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? ये बताइए बाकी नेताओं को क्या राय है इसमें? टिकैत साहब बाकी नेताओं क्या राय है ये बताइए आप, जो बाकी आपका जो संयुक्त मोर्चा पूरा, उनके बारे में क्या कहना है? अभी बात नहीं। तो सुना आपने इस वक्त राकेश टिकैत का बयान, वो कह रहे हैं कि यहां से नहीं हटेंगे। श्वेता सिंह हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं गाजीपुर पर, जहां ये पूरा एक्शन इस वक्त हो रहा है, और साथ ही हिमांशु हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं वहां, जहां सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। श्वेता, क्या राकेश टिकैत को ऐसा लगता है कि इस बात का एहसास हो गया है, लोगों का समर्थन घटा है, लाल किले वाली घटना के बाद से किसान आंदोलन ने भरोसा खोया है, इसीलिए उनके आंसू दिखाई दिए आज? ये किसानों के मन में भी ये चीज है रोहित, और वो इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं इस समय। अभी एक तरह से देखिए यहां पर भी जो किसान बैठे हुए हैं और देश के गाने गा रहे हैं आपस में यहाँ पर, कि किसी तरीके से यहाँ पर रात में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और उसके बीच में अलाव जलाकर और उसके साथ ही यहाँ पर गाना बजाने के साथ वो सब अपना समय बिता रहे हैं। अब लेकिन सबके मन में सवाल तो ये उठ ही जाता है रोहित, और खासकर जो कि उसका हिस्सा है, यानी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं 2 महीने तक लगभग, वो तो अपने मन में ये जानना ही चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और ये जो निर्णय चल रहा है, जो मंच पर जो बातें हो रही हैं और उसका जो विश्लेषण हो रहा है अलग अलग, हर व्यक्ति का अपना अलग विश्लेषण, लेकिन उस सब के बीच में अलग अलग जमावड़ों में अब चर्चाएं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी हैं रोहित, की जो किसान भी हैं वो भी जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या और कितनी देर तक, और वही मंजर यहां पर नजर आ रहा है।